तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 अकड़ निकल गई। इस कविता अकड़ निकल गई मतलब क्या? चालाकी दिखाकर किसी भी अन्य व्यक्ति को परेशान नहीं करना है। अकड़ मतलब कभी भी अपने ज्ञान का अकड़ नहीं होना चाहिए। आप जितना जानते हो उससे दूसरों के साथ बांटना चाहिए, उसके दूसरों को तो परेशान नहीं करना चाहिए। देखो पढ़ो। एक था भालू, उसका नाम गोलू था। एक भालू था जंगल में, जो उसका नाम क्या था? गोलू। वह बड़ा नटखट और चंचल था। वो हमेशा शरारत करता रहता था। सारा दिन शरारत करना ही उसका काम था। वो सारा दिन शरारत करता था और कोई उसका काम ही नहीं था। वह कभी किसी को तंग करता तो कभी किसी को तंग करता। तो कभी वो सारा दिन सबको तंग कर रहा था, कभी इसको तो कभी उसको तंग करता ही रहता था। वो और कोई काम नहीं करता था, सबको सिर्फ तंग करता रहता था। वह कभी भी किसी की चीज़ झपट लेता तो कभी पेड़ को हिलाकर उनको उनके फल नीचे गिराता रहता। वह कभी किसी को चीज़ झपट लेता मतलब वो कोई अगर कोई चीज़ पकड़ा होगा तो उसके चीज़ को ज़बरदस्ती ले जाता था, या फिर पेड़ इलाका मतलब कोई बंदर अगर पेड़ पर बैठा हो, फल खा रहा हो, तो उसके फल सारे गिरा देता था। एक दिन सड़क पर गोलू को एक थैला मिला। एक दिन वो सड़क पर चल रहा था तो उसको एक थैला मिला। थैला मतलब क्या है बच्चों? बैग, जो बैग होता है, जो हम सामान रखते हैं, वो जो बैग, उसमें एक आईना था। वो थैले में एक आईना था। आईना मतलब क्या है बच्चों? मिरर, मिरर आप जो जिसमें मुंह देखते हो। गोलू ने उलट पलट कर देखा। गोलू ने इधर इधर से एक बार, उधर से एक बार, उस आईने को देखा। आईने में उसे एक भालू दिखा। वो मिरर में अपना ही प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं? वो हम भी दिखते हैं कि नहीं मिरर में? तो उसमें मिरर में वो आईने में उसके और एक भालू दिखा। उसे देखकर वह घबरा गया। और एक भालू देखकर वो आईने में वह घबरा गया। यह क्या? यह दूसरा भालू कौन है? यह क्या है? यह दूसरा भालू कहाँ से आ गया? मैं तो एक ही भालू था। उसने आईना अपने सामने से हटाया तो सामने का भालू गायब। उसने जब आईना सामने से हटा दिया, आईने में तो अपनी तस्वीर दिखती है कि नहीं? जब आईने सामने से हटा दिया तो वहाँ पर कोई भालू नहीं था। ऐसा उसने कई बार किया। वो उसको समझ नहीं आ रहा था, वो तो ऐसा उसने कई बार किया, सामने से भालू गायब, सामने से भालू गायब। तो अपना तस्वीर देखकर वो जग जा रहा था कि सामने कोई भालू है बोल के। तो अब वह समझ गया कि आईने में कोई दूसरा भालू नहीं बल्कि उसकी अपना ही चेहरा है। तो वो कुछ देर बाद समझ गया कि वो एक आईना है और जो भालू है कोई दूसरा नहीं, उसका ही चेहरा है। उसने कुछ सोचा, सोचकर मुस्कुराया और फिर आईने को थैले में रखकर लिया। उसने वहाँ पर खड़ा होकर कुछ सोचा, मन में कुछ सोचा और मुस्कुराया। कुछ सोचा तो उसे अच्छा लगा, तो उसने मुस्कुराया, थैले में आईना रखा, वो बैग में आईना रखा और वहाँ से चला गया। वह सड़क पर मस्ती से अकड़कर चलने लगा। वो सड़क पर मस्ती से वो सबको परेशान करता है, ऐसे मस्ती कर करके अकड़ के चलने लगा। एक दिन उसे चुनमुन खरगोश मिला। एक दिन की बात है, उसका वो खरगोश, खरगोश का नाम क्या है? चुनमुन मिला। चुनमुन ने गोलू से कहा, तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो? तुम आजकल और चुनमुन ने कहा कि तुम आजकल इतना अकड़ कर क्यों चलते हो, मतलब इसने सबको ना देखे हुए क्यों चलते हो? गोलू डटपते हुए बोला, तुझे क्या? गोलू और भी अकड़ते हुए बोला कि तुझे क्या? मैं चाहे जैसे चलूं,
तेरे जैसे को मैं अपने थैले में रखता हूँ। मैं चाहे जैसे चलूँ, मैं तेरे जैसे को अपने थैले में रखता हूँ। तभी वहाँ बेजू गिदड़ आ गया। गिदड़ का नाम क्या था? बेजू। वहाँ पर आ गया। चुनमुन ने बेजू से कहा, देखो ना इसे, यह बड़ी अकड़ दिखा रहा है। और चुनमुन ने कहा, वो खरगोश ने कहा कि और गिदड़ को, देखो ये कितना अकड़ दिखा रहा है। बेजू ने दांत पिसा बोला, और दांत को पूरा चाप कर बोला कि गोलू से कहा, क्या रे गोलू, तुझे किसी बात का किस बात का अकड़ है? गोलू से कहा, क्या रे गोलू, तुझे किस बात का अकड़ है? अगर एक पंजा मार दूँ तो तू आसमान में नजर आएगा, तो मैं एक पंजा मार दूँ तो तू मर जाएगा। गोलू बोला, जा जा, तेरे जैसे को मैं को तो मैं अपने थैले में रखता हूँ। उसको भी ऐसा बोला, तू जा भाग भाग, मैं तेरे जैसे को अपने थैले में रखता हूँ। अच्छा निकाल मेरे जैसे गिदड़ अपने थैले में से। तो उस गिदड़ ने कहा कि मेरे जैसे को अपने थैले से निकाल। बेजू ने आँख दिखाते हुए, बेजू ने गुस्से से बोला।